डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का। ये क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। यानी हमने कुछ, हमारे पास काम नहीं था तो हमने पेड़ की कुछ 40 पत्तियां ली और उनको नापा। गर्मी की छुट्टियों में काम नहीं होता तो क्या करेंगे, मोबाइल भी खेल सकते थे। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। यानी हमने एक टेबल बनाई और हमने कहा कि भाई इतने सेंटीमीटर, इतने से इतने सेंटीमीटर और इनकी इस नाप की इतनी इतनी पत्तियां थी, कुल मिला के 40 पत्तियां थी। अब ये कहता है इन आंकड़ों को एक आयत चित्र बनाओ, पहला काम। दूसरा काम, क्या इनको बनाने वाला कोई और उपयुक्त आलेख है। तीसरा है, क्या ये निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर लंबी वाली पत्तियों की सबसे अधिक है और क्यों है। अब सबसे पहले हमें ठीक करना है बेटा कि हमें जब आयत चित्र बोला गया है तो आयत चित्र बनाने के लिए हमारे पास सतत वर्ग अंतराल होना जरूरी है। तो सबसे पहले चेक करें कि क्या ये वर्ग अंतराल सही है। तो हमने कहा भाई देखो 118 से 26 नौ हुआ, ये भी नौ हुआ, ये भी नौ हुआ। एक बार चेक कर लिया तो देखा कि सब में अंतराल तो सही है, परंतु क्या ये सतत है। ये 126 पे खत्म हो रहा है, ये 127 से शुरू हो रहा है। तो बच्चा कहे कहाँ से, तो सतत ही 126 के बाद तो 127 ही आता है, परंतु 126 और 127 के बीच में भी तो संख्याएं हो सकती है बेटा। तो सतत तब माना जाएगा जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो, और नहीं है तो बराबर करनी पड़ेगी। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमारा पहला काम होगा कि हम एक टेबल बनाएंगे। ये तो प्रश्न में दे रखा है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे। देखो हमारा अंतराल कितना है, 1 सेंटीमीटर का, या एमएम सॉरी। अब चूंकि हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े कर देंगे, तो 0.5 और 0.5। एक पार्ट पे 0.5 को हम घटा देंगे और एक तरफ 0.5 जोड़ देंगे। 118.5 में से 0.5 घटाया तो कितना आया, 117.5। 126 में 0.5 जोड़ा तो कितना हुआ, 126.5। इस तरह से हमने सब में एक आधा घटाया, आधा जोड़ा। अब हमारा ये जो है ये सतत वर्ग अंतराल हो गया। अब हम आयत चित्र बना सकते हैं। अब ये क्या चीज है, अभी इस पे रुक जाए, ये हम लोग पार्ट दो में इसका यूज करेंगे। और हमने कहा ये हमारा ये है और ये हमारी पत्तियों की संख्या है। अब इसको हम प्लॉट करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमने आयत चित्र बनाया, आयत चित्र में हमने इस तरफ तो ये सारी ये लिख दिया वर्ग अंतराल, और इस तरफ लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारे को दे रखा है कि कितनी पत्तियां हैं। तो मैंने कहा 117.5, अब ये 3 थी, ये 5 थी, ये 9 थी, ये 12 थी, ये 5 थी, ये 4 थी और ये 2 थी। हमने कैसे किया, यहाँ तो लिख दिया सबको, फिर हमने कहा अब मैं यहाँ जो पैमाना ले सकता हूँ, तो सबसे छोटी संख्या 2 थी, सबसे बड़ी संख्या 12 थी। तो मैं चाहता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी कर सकता था, मैं चाहूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैं चाहूँ तो 3, 6, 9, 12 कर सकता, कुछ भी कर सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैंने कहा अब 3 बैठाना, तो 3 किसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में, 5 किसके बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में, 9 किसके बीच में आएगा, 8 और 10। तो इस तरह से मैंने ड्राफ्ट बनाया। ध्यान रहे कि ये आयत चित्र है, आयत चित्र में कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता, तो ये आयत चित्र इस तरह से बनेगा। आपको स्केल ले लेके खींचनी पड़ेगी, ये चौड़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी बराबर है, 9, 9, 9, 9, ठीक है ना बेटा। बस ये हमारा आयत चित्र बन गया, बहुत आसान काम है। अब प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई और अन्य उपयुक्त आलेख है। हाँ जी है जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब आयत चित्र बनाते हैं तो आयत चित्र के जैसे ही हम एक बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, चूंकि बहुभुज है, बहुभुज हमेशा क्या होता है, जैसे इस तरह की एक आकृति होती है, मतलब ट्रायंगल, मतलब एक बंद आकृति होती है, खुली नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर आपका आयत चित्र बना हुआ है तो आयत चित्र का हम क्या कर सकते थे कि हम इनका मध्य बिंदु ले सकते हैं, और मध्य बिंदु लेकर उन्हें जोड़ दिया जाए, परंतु ये अभी भी अधूरा काम है। पूरा काम कब होगा कि जब हम इसे बंद आकृति बनाएंगे। तो बंद आकृति बनाने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी और ये जो सबसे बड़ी है, इनके आगे और इसके पीछे एक और हमें
क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा सेम इंटरवल की, तो 108.5 से 117.5 और इधर मैं बनाऊंगा 180.5 से 189.5। इनकी फ्रीक्वेंसी जीरो मानी जाएगी, तो मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा और इनको यहाँ खींच के बराबर कर दूंगा। अब मेरी एक्सिस से एक बंद आकृति यहाँ हो गई, तो ये हमारी बहुभुज बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। तो एक काम तो ये है कि आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को जोड़ के बना दिया, और पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ये हुआ कि हमने इनको बंद आकृति बना दी, ताकि एक एक वर्ग अंतराल और बढ़ा के हमने किया। दूसरा तरीका हो सकता था कि हम सीधा सीधा बारंबारता बहुभुज बनाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वर्ग चिन्ह की जरूरत होगी। अब देखो हमने इस फ्रीक्वेंसी के, हमने आयत चित्र में क्या किया, इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ा। मध्य बिंदु क्या हो गया कि 117.5 प्लस 126.5 बटे 2, 244 बटे 2 कितना होता है। तो वर्ग चिन्ह हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो ये हमारा काम हो गया। इसी तरह से हमने बाकी सबका भी मध्य वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि बारंबारता बहुभुज में एक इस तरफ जाना होगा और एक इस तरफ जाना होगा, तो देखो इनमें नौनों का अंतर है, तो मैंने 113 ले लिया और इधर 185 ले लिया। इसकी संख्या जीरो पकड़ ली, इसकी संख्या जीरो पकड़ ली। अब मैंने इसका प्लॉट डायग्राम बना दिया, 113 पे 0, 122 पे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 0। अब इनको जोड़ा तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कितना आसान चीज थी, कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं बेटा। बस आपको थोड़ा सा बेटा, चूंकि मैंने तो कंप्यूटर से किया, मैं तो कामचोर आदमी हूँ, आपको हाथ से ग्राफ टेबल पे बनाना होगा। ये बनाना आसान है, ग्राफ टेबल पे आपने कोई भी प्लॉट कर दिया 2, 4, 6, 8 पर, फिर स्केल लेके बेटा, जैसे 2 और 4 के बीच में 3 संख्या है, 3 संख्या क्या होगी इनके बीच की, तो अपने को जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप है, 1 सेंटीमीटर अगर 2 का अंतर है, तो 1 का अंतर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 5 मिलीमीटर। यानी जो हमारा स्केल में देखता हूँ, स्केल में 1 और 2 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, वो जो 10 लाइनें होती है वो मिलीमीटर होता है, तो हमें 5 मिलीमीटर लेना है, तो मुझे गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे यहाँ पे भी खींचना है और यहाँ पे भी खींचना है। ये तो चूंकि आयत चित्र में मुझे यहाँ पे भी खींचना है और यहाँ पे भी, फिर इन दोनों की लाइन खींचनी, फिर इसी तरह से 6, 5 का आएगा 4 और 6 के मिड पॉइंट, 9 का आएगा, इसी तरह से मैं सारी संख्याएं प्लॉट करूंगा। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे। ये थोड़ा घुमावदार सवाल है और इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये कहता है क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर वाली लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो सबसे अधिक संख्या यहां है, तो बच्चा ये सोच लेता है कि हाँ ये उत्तर, ये निष्कर्ष सही है, जबकि ये निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 12 संख्या है ये 145 से 153 mm की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या है। मेरे पास 153 सिर्फ 153 mm वाली पत्तियों की संख्या तो है ही नहीं, मेरे पास तो आंकड़ा जो है वो 145 से 153 का है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, ये निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में उपयुक्त आंकड़ा नहीं है, उपयुक्त आंकड़े नहीं है। हमारे पास 153 का आंकड़ा नहीं है, हमारे पास 145 से 153 का आंकड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जरूर रिपोर्ट करूंगा। ठीक है डियर।